हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी। चलिए बनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा स्नैक्स, ब्रेड का उत्पम। जब फटाफट वाली भूख लगती है ना बहुत जल्दी से, और कुछ समझ में नहीं आता और अच्छा सा कुछ खाने का मन करता है, तो फिर आप ये स्नैक्स बहुत जल्दी से और बहुत टेस्टी से बना सकते हैं। इसके लिए हमने लिए ये चार पीस ब्रेड, जिसके हमने कॉर्नर्स निकाल दिए हैं। आप इसके लिए मल्टीग्रेन ब्रेड या आटे वाली ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। इसको हम तोड़ लेते हैं ब्रेड को, क्योंकि हमें अभी इसको ग्राइंड करना है। ब्रेड को हमने तोड़ लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच बारीक कटे हुए प्याज, 1 बारीक कटी हरी मिर्च या जितना आपको स्पाइसी चाहिए उतनी मिर्च आप डाल लें, बारीक कटा हुआ 2 चम्मच टमाटर और 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मैदा, 1/2 कप सूजी, 1/2 कप दही, 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा, 1/2 चम्मच के करीब नमक या टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 चम्मच नमक, और 1/2 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। अब इन सब चीजों को हम मिलाकर अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। सब्जियां आप अपने मनपसंद और भी कोई भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च है, हरी मटर है, वो आपकी जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे 1/2 कप के करीब पानी। पानी अभी हम 1/2 कप डाल के पीस रहे हैं। अगर बाद में हमें पेस्ट में और जरूरत लगेगी तो हम पानी को और डाल लेंगे। ये हम 1/2 कप पानी इसमें मिला देते हैं और अब इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए, हमने एक इसका स्मूथ सा पीस के पेस्ट बना लिया है। हमने इसमें, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, हमने इसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया सब चीज ब्रेड और मैदे के साथ हमने मिक्सी कर लिया है। ये इसलिए कर लिया है कि कई बार क्या होता है ना, बच्चों के मुंह में सब्जी आती है, वो सारी सब्जी निकाल के अलग कर देते हैं, और इस तरह से अगर सब्जी उत्पम में आप ऐड करेंगे तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा और सब्जी भी उनके पेट में पहुंच जाएगी। आप चाहें तो आप सब्जी को चॉप करके भी डाल सकते हैं, महीन महीन काट लीजिए, फिर आप मैदे को, ब्रेड को, दही को और सूजी को पीसने के बाद सब्जी मिला सकते हैं। लेकिन मैंने पीसने से पहले ही सब्जी इसमें ऐड कर दी थी, और इस तरह का इतना गाढ़ा हमने बैटर तैयार कर लिया है। अब इस टाइम पर हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा, 1/4 चम्मच के करीब चाट का मसाला, और इसको अच्छे से मिला देते हैं। अब हमने इधर रखा है गैस पर एक तवा, नॉन स्टिक तवे पे रख सकेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सिकेगा। ये देखिए, ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पे डालते हैं तवे पे 1 चम्मच के करीब ऑयल और इसको फैला देते हैं। थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे राई के दाने और थोड़े से कड़ी पत्ते। ये देखिए, तवे पे हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने बैटर को डालेंगे। इसके पहले हम थोड़ी सी डाल देते हैं इस पे राई, और अब हम डालते हैं इस पे 1 चम्मच के करीब बैटर। आप देख लीजिएगा आपको कितना मोटा पतला उत्पम बनाना है, बहुत पतला मत डालिएगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इसमें सब्जी हमने सब पीस दी है इसलिए बच्चों को पता ही नहीं चलता है। आप इसमें कितनी भी सब्जी ऐड कर दें, कैप्सिकम है, कॉर्न है, हरी मटर है, टमाटर है, प्याज है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और बेल आइकॉन को अभी तक नहीं प्रेस किया है तो प्लीज कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर नए रेसिपीज के वीडियो सबसे पहले आपके फोन में हो। अब हम इस पे डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, देखिए साइड से सिक गया है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से कड़ी पत्ते। आप हरा धनिया भी सेम पे डाल सकते हैं, मैं थोड़े से कड़ी पत्ते इसमें लगा दे रही हूँ। इसको एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाने देते हैं, तवे को घुमाते हुए इस तरह से आप इसको थोड़ा सा सेक लीजिए। कवर करने की इसको जरूरत नहीं है, बस 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको एक तरफ से सिकने में, फिर हम इसको पलट के सेकेंगे।
एक मिनट हो गया है और ये हमारा एक साइड से सिक गया है। अब इसको हम पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा उत्तम सिक्के तैयार हुआ है बहुत ही कम ऑयल में। अब दोबारा से हम इसमें ऑयल भी नहीं डालेंगे, हमारे इसी ऑयल में कम से कम चार उत्तम सिक्के तैयार हो जाएंगे। और जो हमने सब्जी पीस के डाली है इससे ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ये देखिए हमारा दूसरी साइड से भी सिक गया है, थोड़ा सा हम घुमा के सेक लेते हैं जिससे ये राई के दाने जो इधर उधर हो गए हो थोड़े वो हमारे उत्पम में अच्छे से लग जाए। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए, और आप ये देखिए उत्पम दूसरा बनाने के लिए हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, इसमें ऑलरेडी इतने सारा ऑयल है, बस इसमें हम डालेंगे थोड़े से राई के दाने और हम अपना इसमें डालेंगे उत्पम का बैटर। बहुत जल्दी से बन जाता है, हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी है ये नाश्ता। जब भी भूख लगे फटाफट से आप बना लीजिए, ब्रेड तो सबके घर में हमेशा अवेलेबल रहती है। अभी थोड़ा सा सिक गया है देखिए साइड से, अब इस पे हम डाल देते हैं कड़ी पत्ते। इसको सिकने देते हैं। ये लीजिए खाने के लिए रेडी है ब्रेड से बने उत्पम, बहुत ही टेस्टी। जरूर से एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही कम समय लगता है और घर के सामान से ही फटाफट से बन जाता है, बहुत बढ़िया लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। फ्रेंड्स मैं एक बात और बताना चाहती हूँ लास्ट में कि आप एक बार सब्जी को पीस कर ही उत्पम बनाकर ट्राई करिएगा, बच्चे भी कोई सब्जी नहीं बीनेंगे और बड़े भी, बहुत ही अच्छी लगेगा ये उत्पम, प्लीज जरूर से ट्राई करिएगा। और कैसा लगा ये रेसिपी मेरी, मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा।